नमस्कार, आप सभी व्यू स्टूडेंट्स को कल से शुरू होने वाले आरपीएससी व्यू इंटरव्यूज के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आज जो आरपीएससी व्यू इंटरव्यू के लिए मैं लेक्चर लेकर आई हूं, उसमें हम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू से पहले की तैयारी और इंटरव्यू के समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि क्या पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी इंटरव्यू का जो है एक पैनल होता है, जिसमें आरपीएससी मेंबर्स होते हैं और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमारे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मेनली क्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक सब्जेक्ट्स और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये सभी इंटरलेट हैं, इंडिकेटेड रूप से हम बीबीएससी एंड एएच की डिग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो कहीं ना कहीं पैथो, पैरासाइटो, बायोकेम, हिमेटोलॉजी, फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, सर्जरी, रेडियोलॉजी, एनाटॉमी से, गायनेकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो हमें इस तरीके से हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज और कॉमन जो चीजें हैं जो हमें फील्ड में दिखती हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में क्या पढ़ना है, हमें डिजीज के बारे में पढ़ना होता है, डिजीज में कौन कौन सी बेसिक डिजीज हैं कॉमनली जो हमें फील्ड में मिलती हैं, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोन, पैरासिटिक डिजीज, सिस्टमिक मेन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, यूरिनरी या रेस्पिरेटरी, प्रोटेक्शन या मेटाबॉलिक डिजीजेस, आप सभी जानते हैं मिल्क फीवर, किटोसिस, देन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें कि नॉन इन्फेक्शियस हो गई है जो डेफिशिएंसी है, मेटाबॉलिक है जो पॉइजनिंग के कारण होती है वो डिजीजेज हैं, और साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री, कैसे जो इंस्पेक्शन मोड है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेटरी रेट या पल्स रेट के बारे में, लेबोरेटरी टेक्निक्स या जो टेस्ट होते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज, ड्रग थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूड थेरेपी के बारे में। अगर हेल्थ की बात करें, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो वैक्सीनेशन शेड्यूल, डीवॉर्मिंग शेड्यूल या कंट्रोल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, ये सब पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि रूमिनेंट्स की, तो रूमिनेंट्स में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वॉलेटाइल फैटी एसिड, आप सभी को जानते हैं क्या रोल होता है रूमिनेंट्स में, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम होता है, ट्रू स्टोमक एबोमेजम होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर हम डिजीज की बात करें तो कॉमन डिजीज, हीट स्ट्रोक, शॉक, मेंज, कीटोसिस, मिल्क फीवर, ये सारे क्वेश्चन इन पे आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, उनके अलावा टिम्पेनी के बारे में पूछा जाता है, ब्लॉट के बारे में पूछा जाता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम हार्मोन्स को उससे रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री लैब डायग्नोस्टिक डिजीज में, माइक्रोबायोलॉजी में सम्मिलित हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी में देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास कॉमन जो है ऑपरेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ के साथ एनेस्थीसिया के बारे में, लोकल जनरल, सूचर्स, ट्यूमर्स, फ्रैक्चर्स के बारे में पूछा जा सकता है, हॉर्न कैंसर, टेल गैंग्रीन, टीआरपी, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, डीएच, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, स्टूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बॉडी जोकास्टेटर, ट्रोकार कैन्यूला, अवेन कार्ड, स्टूमिनोटोमी सेट, एमपीडी के बारे में आप सभी ने सुना है, मीडियल पेट्रोल टॉमी, जैप्स ऑपरेशन डॉग का, और इस तरीके से अगर हम पॉइजनिंग की बात करें तो साइनाइड पॉइजनिंग या जिसमें इमेच्योर ज्वार या सोरगम खाने से होती है। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिजीज जो डे टू डे हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग यूटीबी में लगे हुए हैं, फील्ड में 2-3 साल से काम कर रहे हैं और लगातार केसेस को देखते जा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे सर्जरी से हो, चाहे गायनी से रिलेटेड हो। फिर हम बात करते हैं पोल्ट्री की स्पेशल डिजीजेस की, जो पोल्ट्री की डिजीज है उनको हमें नहीं छोड़ना है, जैसे अगर वायरल की बात करें तो रानीखेत, न्यूकास्टल डिजीज, पुलोरम बेसिलरी, वाइट डायरिया डिजीज जो बैक्टीरियल होती है, फंगल डिजीज में एस्परजिलोसिस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, गंबेरो डिजीज वायरल डिजीज होती है जो आईबीडी, इस तरीके से हमें पैरासिटिक कॉक्सिडियोसिस, तो सारे हमें कवर करनी होंगी डिजीजेस। गायनी की बात करें तो रिपीट ब्रीडिंग, साइलेंट हीट, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, एनिस्ट्रस, डिस्टोकिया, आरओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब क्लिनिकल सब्जेक्ट के बाद अगर हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो है इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मेथड्स, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल लीवर, जो लीवर के टेस्ट होते हैं या रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, या प्रोसोला के लिए फॉर एग्जांपल एबीआरटी, दैट इज एबॉर्टस बैंग रिंग टेस्ट या मिल्क रिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो हमें सारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और टेस्ट को भी ध्यान रखना होगा।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 28 लाइव स्टॉक सेंसस, जो 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस हुई है, पशु गणना हुई है, और ये 2019 की है, और साथ में प्रोडक्शन के डेटा, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अभी नंबर वन पे है वर्ल्ड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में, अराउंड 24% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर रही है, और साथ ही में राजस्थान, यूपी को छोड़कर, अब यूपी पहले फर्स्ट था, अभी राजस्थान नंबर वन पे है मिल्क प्रोडक्शन में, अराउंड 15.05% ऑफ कंट्रीज टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, और वूल प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर वन पे है। इसी तरीके से हमें मीट और एग के प्रोडक्शन के डेटा हमें ध्यान रखने होंगे कि कौन सा नंबर वन स्टेट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है, आप सब वहां से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कैमल का जो है पॉपुलेशन वो हमें देखना होगा, क्योंकि राजस्थान नंबर वन पे कैमल हमारा स्टेट एनिमल भी है लाइव स्टॉक कैटेगरी के अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजस्थान से संबंधित पॉइंट है, या किसी जिले में पर्टिकुलर कौन सा एनिमल, कौन सी स्पीशीज जो है, या कौन सी ब्रीड जो है वो होती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लाइव स्टॉक ब्रीड्स के बारे में, और इंक्लूडिंग पोल्ट्री, स्पेशली ब्रीड्स ऑफ राजस्थान। सारी ब्रीड्स हमें पढ़नी होगी, सारे स्पीशीज जो कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री, एलिफेंट, कैमल, सारी ब्रीड्स को हमें देखना होगा, हॉर्स, और कॉमन कॉमन जो ब्रीड्स हैं उनके उनके जो फीचर्स हैं वो हमें राजस्थान के मद्देनजर हमें पढ़ने होंगे। इसी में हम कैमल ब्रीड्स को भी पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट की उष्ट विकास योजना, उसको भी हमें पढ़ना है। न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड्स ऑफ राजस्थान, जैसे मैं आपको बताऊं, नारी नारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और गुजरात की ब्रीड है अपने यहाँ से, रोही और पाली में, तो उसके फीचर्स आपको देखने होंगे, न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड है कैटल की। इसी तरीके से स्टेट ब्रीडिंग फॉर्म्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो चाहे सरकार की हो, फॉर एग्जाम्पल डग झालावाड़ में मालवी का है, जनरल टर्म्स, कॉमन नेम, सेक्स, यंग, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, ये सब हमें एलपीएम की दृष्टि से, जनरल एनिमल हस्बेंड्री की दृष्टि से अच्छे से पढ़ने होंगे। फिर हम बात कर राजस्थान गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स की, लाइक कामधेनु बीमा योजना, आप सभी जानते हैं, दो कैटल पे मिलता है प्रति एनिमल जो है वो 40,000 का बीमा होता है इसमें, पशु मित्र योजना, गोपालन निधि अनुदान योजना, और भारत पशुधन सॉफ्टवेयर, ये एनडीडीबी का सॉफ्टवेयर है, पहले इनाफ का सॉफ्टवेयर चलता था, भारत पशुधन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सभी को हर तरीके की एंट्री करनी होती है। फिर हम सेक्स ऑटेड सीमन की बात करते हैं, जिसमें बच्चियां पैदा होती हैं। लेटेस्ट जो आजकल जो चल रहा है वो है लंपी स्किन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएसडी, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। कॉमन वैक्सीन फॉर वेरियस लाइव स्टॉक डिजीज एंड डी वार्मिंग शेड्यूल, डिजीज से रिलेटेड है, डॉग वैक्सीनेशन, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनिमल का से रिलेटेड हो, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल एंड एनवायरमेंट, तीनों जो है वो इंटीग्रेटेड रूप से आपस में रिलेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक डिजीज इंक्लूडिंग जूनोटिक, देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जिसके बारे में मेडिसिन हम चर्चा कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम पूछे जा सकते हैं, एचएस का नाम पूछा जा सकता है, शिपिंग फीवर, बीक्यू, ब्लैक लेग, एंथ्रेक्स, स्पिनिक फीवर, या वूल सॉर्टर्स डिजीज, और लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, डिजीज को, उस एरिया के, वो आपको याद रखना होगा। जैसे ब्रुसेलोसिस है बैंक्स डिजीज, एक्टिनो बेसिलोसिस जो है वो वुडन टंग डिजीज होता है, एक्टिनो माइकोसिस लंपी जो होता है, एंथ्रोटॉक्सीमिया पल्पी किडनी डिजीज होता है, वायरल जो एफएमडी डिजीज है वो खुरकटिया एप्थस फीवर कहलाता है, आईसीएच कैनाइन और कैनाइन डिस्टेम्पर, ये सब कैनाइन की डिजीजेज हैं। तो इस तरीके से हमें कॉमन कॉमन, चाहे पैरासिटिक डिजीज हो ट्रेमेटोड्स की, सिस्टोड्स की, या नेमेटोड्स की, या थिलेरियोसिस हो, बबीसिस हो, कोई सा भी प्रोटोजोअन डिजीज हो, इन सभी के बारे में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, सर्रा हो गया जो हमारा ट्रिपेनोसोमियासिस होता है कैमल के अंदर, तो इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, इनका डायग्नोसिस और इनका ट्रीटमेंट, इनके सिम्टम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फीडिंग शेड्यूल, जो हमारा न्यूट्रिशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, हर एनिमल का मेन मेन हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान जीके की, न्यू डिस्ट्रिक्ट आप सभी को मालूम है 50 हो चुके हैं, 33 से बढ़कर डिवीजन 10 हो चुके हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, किस डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, मैंने ये कहा होम डिस्ट्रिक्ट आपका, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ का आप मूल निवासी हैं, या वर्किंग एरिया या डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जितने भी समय से, चाहे 6 महीने से दे रहे हो, चाहे उससे ज्यादा समय से दे रहे हो, उसकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, टूरिस्ट प्लेसेस, ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अजमेर की एक क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, उसी तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करके पढ़ना होगा। हम बात करें न्यू वेटनरी कॉलेजेस की, तो इस गवर्नमेंट में 9 सरकारी कॉलेजेस जो है वो सेंक्शन हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, राजस्थान, जोबनेर, जयपुर। आपको यहाँ याद रखना होगा कि राजस्थान एकमात्र ऐसा है जहाँ पे 2 वेटनरी यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी बीकानेर है, राजूवास बीकानेर, और दूसरी जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है हाल में, राजूवास जोबनेर जयपुर।
इसके साथ ही हमें इंडिया की दृष्टि से करंट जीके भी देखनी होगी। G20 समिट जो अभी हुआ है न्यू दिल्ली में, चंद्रयान 3, इंडिया पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचा है। देन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें फीमेल्स को जो है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये सब हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होगा। साथ में क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी एशियन जो एशिया कप हुआ है उसके अंदर इंडिया जीती है, या एशियन गेम्स जो चल रहे हैं, और अभी लेटेस्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान जी को मिला है। इन सभी के बारे में हमें, जो करंट टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा डेली न्यूज़पेपर्स में से हमें पढ़ना हो। अब बात करते हैं हम लंपी स्किन डिजीज की। ये एक इन्फेक्शियस वायरस डिजीज है, फैमिली पॉक्स विरिडिका वायरस, कैप्री पॉक्स वायरस से होती है। नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन के अंदर, आप सभी को मालूम है, अदर पार्ट्स में स्किन के अंदर। और ये किससे होती है? आर्थ्रोपोड वेक्टर सच एज सर्टेन स्पीशीज ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज, टिक्स। और सिम्टम्स क्या हैं? 2 से 5 सेंटीमीटर के जो जो क्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, फीवर, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, नेजल डिस्चार्ज, हाइपर सलाइवेशन, फॉलोड बाय वाइड स्प्रेड फॉर्म पेनफुल नोड्यूल्स ऑन द स्किन एंड म्यूकोसल सरफेस ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट्स। क्या मटेरियल लेना चाहिए? होल ब्लड सीरम, स्वैब्स ऑफ ऑक्यूलर, नेजल, ओरल, एंड देन स्किन नोड्यूल स्कैब्स ले सकते हैं हम। और ये कहाँ, इसका जो कंफर्मेटरी रेफरल लेबोरेटरी वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल। आइडेंटिफिकेशन के लिए PCR LSDV का कर सकते हैं। स्किन नोड्यूल्स एंड स्कैब्स, लाइवा, नेजल सिक्रेशन, ब्लड जो है उसके सुटेबल सैंपल्स हैं LSDV के लिए। वायरस का जो आइसोलेशन होगा फॉलोड बाय PCR, इसे कंफर्म किया जा सकता है। साथ में जो वैक्सीन है उसका नाम है लंपी प्रो वैक्सीन, वैक इंडिया, वैक INDI। तो लंपी प्रो वैक INDI इसकी वैक्सीन है जो इंडिजीनस है, ये डेवलप किया NRCE ने, ICR के इंस्टीट्यूट ने। और इस तरीके से हमें अभी प्रिवेंटिव मेजर्स का भी ध्यान रखना होगा, किस तरीके से LSD के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान में जो स्टार्ट हुआ था वो आप सभी को मालूम है, 2022 में जो आया था उसमें सबसे पहले जैसलमेर में हुआ था, जोधपुर रीजन के अंदर आया। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री से पहले हम देखेंगे कि जो स्टार्ट हुआ था वो उड़ीसा से हुआ था, और उससे पहले जो है वो 2019 में जो है बांग्लादेश में आया था। तो हमें हिस्ट्री भी देखनी होगी इसकी, और करंट राजस्थान में क्या पोजीशन है। और आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने जो LSD से मरी हुई कैटल हैं उनके लिए 40,000 रुपये पर एनिमल भी दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सरकार की योजना रही है। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमें किस तरीके से क्या पहनना है, किस तरीके से बिहेव करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखना है। ड्रेसिंग बहुत सोबर होनी चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही चेक करके रखने हैं, अब समय से पूर्व पहुंचना है वहां पर, चाहे हमें वेट करना पड़े, और सोबरली बिहेव करना है। अगर हमें आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो हमें सॉरी बोल देना है, हमें बिल्कुल भी इस तरीके से बहस नहीं करनी है किसी भी इंटरव्यूअर के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आप हार्डवर्क कर चुके हैं, आप डिटरमाइंड रह चुके हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट, और उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपका टारगेट अचीव करना है। सो हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। मैं बार बार आपसे यही कहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखास व्हाट इज फेयर। थैंक्स वंस अगेन। और अंत में वापस आप सभी को इंटरव्यूज के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस इंटरव्यू को क्रैक करें और वेटनरी ऑफिसर बने, ऐसी मेरी कामना है। थैंक्स अ लॉट।